Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayyid Saad Qadri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shab-e-Miraj aa rahi hai aur Shab-e-Miraj se mutalliq main aap logon ko badi tafseel se durus de chuka hoon Sirat-un-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke zimin mein bhi aur uske ilawa bhi Miraj par ek puri playlist maujood hai जिसमें हमने मेराज से मुतालिक बहुत सारे सवालात के जवाबात जमा किए हैं, जिसके अंदर साइंटिफिक रीजनिंग भी है, टाइम एंड स्पेस के ताल्लुक से भी है, और शबे मेराज से मुतालिक कुछ और सवालात भी हैं, और दीदार इलाही से मुतालिक जो है वो आरा है, वो तमाम चीज़ें जो है मैंने आपके सामने जमा की हैं तफसील के साथ। ये बात उन लोगों के लिए ज़िक्र कर रहा हूँ जो चैनल से रिसेंटली जुड़े हैं और मेराज से मुतालिक दुरूस के बारे में पूछ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें से एक आध दर्स तो मैंने आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पर भी शेयर किया है और एक आध दर्स जो है वो कम्युनिटी टैब में भी चैनल के शेयर किया है। और इरादा यही है कि हर रोज़ एक आध दर्स कम से कम मेराज से मुतालिक व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैं शेयर करता रहूँ। तो शबे मेराज में इबादत करना कैसा है और इसकी क्या फजीलत है, तो इस ज़मीन में देखें जी, शबे मेराज में इबादत करना जायज़ भी है और मुस्तहसन भी है। इसमें इबादत करने की फजीलत बयान करते हुए आरिफ बिल्लाह शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हदीस नकल फरमाते हैं कि रजब में एक ऐसी रात है जिसमें इबादत करने वाले के लिए 100 साल की नेकियों को सवाब लिखा जाता है, और ये रजब की 27वीं रात है। जो इस रात 12 रकत नवाफिल इस तरह अदा करे कि हर रकत में सूरह फातिहा पढ़े और सुबहानल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ये 100 दफ़ा पढ़े और अल्लाह ताला से 100 दफ़ा इस्तिग़फ़ार करे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर 100 बार दुरूद पढ़े और अपने लिए दुनिया और आखिरत में से जो चाहे मांगे और सुबह को रोज़ा रखे तो बेशक अल्लाह इसकी सब दुआओं को कबूल फरमाएगा सिवाय उस दुआ के जो गुनाह की हो। इस रिवायत को इमाम बैहकी ने शुअबुल ईमान में रिवायत किया है अब्बान से, और उन्होंने फिर हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है। तो इसको मा सबित बिसुन्ना के पेज नंबर 150 पर रिवायत किया गया है, और शुअबुल ईमान में बाब है अस्सियाम का, उसमें तख़सीस शहर रजब भी ज़िक्र, और उसमें हदीस नंबर 3812 के तहत इसे रिवायत किया गया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।